बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जाए। एक टॉपिक में से एक पार्ट जो हैंडफुल ऑफ डेट्स आपने फिनिश किया है, उसमें राइटिंग पोर्शन में एक पार्ट हमें डिस्कस करना है, उसका एक पार्ट हमें डिस्कस करना है आज। डायरी राइटिंग, फ्यूचर्स ऑफ डायरी एंट्री। डायरी राइटिंग है क्या बेटा? डायरी राइटिंग इज रिकॉर्ड ऑफ वंस एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स। इट इज अ बुक इन विच वन कैन राइट डाउन द एक्सपीरियंसेस वन हैज ईच डे। बेटा, डायरी राइटिंग थी है क्या? डायरी राइटिंग जब हम कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या जो हम रोजमर्रा की एक्टिविटीज है, जो हम चाहते हैं कि हम इनको रिकॉर्ड करके रख सके, तो हमारे पास डायरी होती है। तो उसको हम उसमें हम जॉट राइट डाउन करते हैं अपने कुछ थॉट्स, चाहे अपने कुछ एक्सपीरियंस, चाहे वो गुड एक्सपीरियंसेस हो या बैड एक्सपीरियंसेस, ताकि हम जब आगे बढ़ेंगे जिंदगी में उन मोमेंट्स को हम याद कर सकेंगे। तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी रिकॉर्ड दोज एक्सपीरियंसेस और थॉट्स, वेदर द गुड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ और बैड एक्सपीरियंस। वी शुड कीप द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग इन आवर विद इन आवर सेल्फ। इट इज अ बुक इन विच वन कैन राइट डाउन द एक्सपीरियंस वन हैज ईच डे। डायरी राइटिंग इज अ प्राइवेट एंड ऑलवेज एज वेल एज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ वन इनर मोस्ट फीलिंग्स। ये डायरी राइटिंग जो है, इट इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ वन इनर मोस्ट फीलिंग्स। इट इज वेरी गुड हैबिट टू कीप अ डायरी। अच्छी आदत है। एवरीबडी शुड कीप डायरी सो दैट वी कैन राइट डाउन आवर एक्सपीरियंसेस, आवर हैप्पी मोमेंट्स, आवर इमोशनल मोमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर डायरी, सो दैट इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू नो, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट एक्टिविटीज। नाउ द पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ डायरी राइटिंग। क्या क्या बेनिफिट है अगर हम लिखेंगे तो इसमें कोई फायदा है या नहीं है? यस, इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। फर्स्टली, वी रेक्टिफाई आवर एरर्स। इससे हमारी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, इससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। वी कैन रेक्टिफाई आवर एरर्स। इट मेक्स अस इमोशनली स्ट्रांग। अब कभी हम जज्बाती हो जाते हैं, हम किसी के साथ अपने फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, तो इजीली वी कैन राइट डाउन आवर फीलिंग्स विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम इन आवर डायरी। इट इम्प्रूव्स आवर रीजनिंग। इट इम्प्रूव्स आवर डायरी राइटिंग इम्प्रूव्स आवर रीजनिंग। ये हमारे सोचने और समझने की सलाहियत को इम्प्रूव करता था, इसमें इजाफा हो जाता है। आवर डायरी इज आवर सीक्रेट कॉन्फिडेंट। ये डायरी जो है, जो हमारी दोस्त होती है, जो हमारा सीक्रेट कॉन्फिडेंट होता है, एक ऐसा फ्रेंड होता है, एक ऐसा साथी होता है, जो हमें हमारे सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इट हेल्प अस टू वर्क टूवर्ड सक्सेस। विद द हेल्प ऑफ दिस डायरी राइटिंग, इट रेक्टिफाई आवर एरर्स। ऑब्वियसली, इफ समथिंग इन सम वे वी कैन रेक्टिफाई आवर एरर्स, दैट विल हेल्प अस टू वर्क टूवर्ड सक्सेस। इट बैक्स अस एवरीथिंग वी चूज। इट मेक्स अस बेटर प्लानर। ये हमें अच्छे प्लानर की हैसियत से, हमें हमें करना क्या है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, दिस ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डायरी राइटिंग। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इट ऑल्सो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इट इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। दिस डायरी राइटिंग इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो। ब्रिंग्स आउट क्रिएटिविटी फ्रॉम अस। इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट अवर हिडन टैलेंट। इट ब्रिंग्स आवर क्रिएटिविटी फ्रॉम अस।
जब हम डायरी लिखते हैं तो हम कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स क्रिएट करते हैं, तो हम सोचा किसी के सामने करेंगे ये वर्ड्स क्रिएट, हो सकता हमारा फन हो सक हमारा फन हो जाए, हमारा मजाक उड़ जाए, लेकिन डायरी एक ऐसा कॉन्फिडेंट मटेरियल है जो किसी जो जहाँ पर हमें कोई हमारा मजाक नहीं उड़ा सकता है। इट ब्रिंग्स आवर क्रिएटिविटी फ्रॉम अस, इट हेल्प अस इन बूस्टिंग आवर मेमोरी, हमारी याददाश्त को बढ़ावा देते, इंक्रीज इट इंक्रीज आवर मेमोरी। नाउ द पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग। अगर हमें डायरी लिखनी है, अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस डायरी में लिखना चाहते हैं, वेदर गुड और बैड, तो हमें डायरी राइटिंग कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या है, तरीका क्या है? तो डायरी राइटिंग में हम डेट पहले लिखते हैं, उसके बाद डे, उसके बाद टाइम। फॉर एग्जाम्पल बेटा आज है 26, 24th of August, 24th of August। उसके बाद डेट है आज, आज है वेडनेसडे, तो टाइम है 10 बजे। उसके बाद हम लिखेंगे डियर डायरी, डियर डायरी, डियर डायरी में हम लिखेंगे जैसे आपको लिखना है, वी शुड यूज योर रिएक्शन टू व्हाट यू सॉ और एक्सपीरियंस स्टाइल, राइट इन फर्स्ट पर्सन। वी शुड कीप इन माइंड वन थिंग दैट वी शुड ऑलवेज यूज फर्स्ट पर्सन। At times you may leave out the pronoun I, for example, I am really excited. Sometimes we can leave the pronoun I. Next point, give reference to personal memories, details. हमें reference देना चाहिए कि हम कहाँ जा गए थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ है। Use, we should always use in our diary a chatty, a friendly language, not the harsh language, but a friendly language. Refer to parents, friends, etc. You would address them in person. For example, Abba said, जब हमें अपने पेरेंट्स की रेफरेंस देनी हो डायरी में या फ्रेंड्स की, तो हम उनको एज इस्तेमाल कर सकते हैं, एज डैडी सेड, एज रिफत सेड, एज बॉय जस्ट वुड नॉट लिसन। स्ट्रेस ऑन फीलिंग्स, हमें जो भी हम फील करते हैं हमें उस पर स्ट्रेस देना है कि हम फील क्या कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस जो है वो भी हमने इसमें लिखने हैं, रिएक्शंस रादर देन ऑन द इवेंट इटसेल्फ। नाउ द पॉइंट इज कंटेंट, इट शुड बी सिंगल पैराग्राफ, इट शुड बी सिंगल पैराग्राफ, नॉट मोर देन 80 to 100 words. It should not exceed from 80 to 100 words. उसके बाद बेटा हमें एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद अपना नाम लिखना है ABC. तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरी राइटिंग। थैंक्स।